नंबर प्लेट लग गई है फाइनली 2 महीने के बाद गाइस, पूरे 2 महीने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस यार दिन के 12 बज चुके हैं और मैं कर अपनी ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा गांव के लिए सामान भिजवाने। तो मंजू दी की डिमांड है स्पेशल, थोड़ा ठीक हुई है तो ये दुकान में बैठी है। तो गाइस इसमें रख दी है सब्जी वब्जी है थोड़ा बहुत। चलो गाइस जल्दी से देके आते हैं सामान और हम नंबर प्लेट के अभी पूछ के आएंगे। अभी तक गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं आए, 2 महीने होने वाले हैं गाड़ी को लिए, तो देख के आते हैं आज मिल जाएगी तो लग जाएगी तो सही है। थोड़ा बहुत और सामान लेना है हमें, आगे से लेंगे। चलो सामान ले लिया। गाइस भाई चले गए सामान देने और दे दिया है सामान। सामान दे दिया है, अब हम जा रहे हैं TVS के शोरूम में। शोरूम में जाते हैं भाई, चेक करके आते हैं कि इसकी नंबर प्लेट आ गई नहीं आ गई। इसमें से मंगाएगा फोटो फोन से, फोन से मंगा। आ गए हम शोरूम में, तो देखते हैं आज आई है नहीं आई नंबर प्लेट इतने दिनों के बाद। वैसे यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी नीचे भी है, हम 2 मंजिले में आए हैं, 3 मंजिला भी है ऊपर। हमें मिल गई नंबर प्लेट तो अब नीचे से लगानी है। तो गाइस यार फाइनली 2 महीने के बाद, पूरे 2 महीने के बाद आज नंबर प्लेट मिलेगी। मिली गाइस हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट लगने वाली है। नंबर प्लेट लग गई है फाइनली 2 महीने के बाद गाइस, पूरे 2 महीने के बाद, पर RC अभी तक नहीं आई है। तो चलो जल्दी RC भी आ जाएगी। आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि नंबर प्लेट लगी है और बहुत अच्छा नंबर है हमारा, वो तो आपको हम कैसे बता देंगे, पर दिखा नहीं सकते गाइस आपको नंबर। गाइस यार चलो हमारी नंबर प्लेट लग गई है, बस अब RC आ जाए गाड़ी की जल्दी से। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? चलो नंबर प्लेट लग गई है, आप देखो मस्त भी लग रही है। ओह और हम आ गए घर, ज़बरदस्ती घर ले जाना पड़ रहा है। चल वही सब हम खाना खाते हैं, ईशु को सुला दिया है, ये भी खाना खाएगी। खाना खाते हैं आज, है खाने में राजमा चावल। की तबीयत पहले से बहुत सही है तो इसीलिए हम आज टेस्ट के लिए नहीं गए हैं, तो अभी आज ठीक हुई है, अभी तो उसने खाना भी खा लिया है। तो चलो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी ड्यूटी को, स्कूटी लेके जा रहा हूँ क्योंकि देर हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। एक तो नींद नहीं खुली, सुबह जल्दी उठने के चक्कर में आजकल बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। तो चलो गाइस ड्यूटी करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको घर आने के बाद शाम को, तब तक लग के बाय बाय। गाइस 7:30 हो गया है और मैं आ गया हूँ घर। तो चलो गाइस पहले तो मैं जूते वूते उतार के अपने टास्क पूरे करता हूँ, पानी पीना है और भूख भी पड़नी थोड़ी देर। ईशु भी आ गई है तो इसकी तबीयत थोड़ा सा सही हो गई है, तो अभी बाहर इधर उधर घूमने चली जा रही है, सर ज़बरदस्ती अंदर बैठाना पड़ रहा है। और मानसी भी आ ही गई है, वो अब खाना बनाएगी। तो गाइस ये देखो हमारे सामने चाउमीन खा रही है गाइस, चाउमीन घर में चाउमीन क्यों ला रही है? देखो गाइस ये ईशु को भी नहीं खिलानी और ईशु भी मांग रही है इसकी वजह से। लाई की थी, लाई की, लाई की। चल आते हैं खाने के लिए। अभी निकल ले यहाँ से, मेरे पास मत दिख जाना। मानसी तूने पानी का टास्क पूरा कर लिया अपना? हाँ। इसे देखो ये कितने पोलो ला गई है, ऐसी चीज खाने को इसे कुछ नहीं हो रहा है और दाल खा के उल्टी आ जा रही है, ऐसी चीजें खा रही है इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी चाउमीन खा लिया उससे कुछ नहीं होगा इसे, और ये सब्जी का आटी है। तो गाइस 75 हार्ड चैलेंज के आज पूरे हमारे 11-12 दिन पूरे हो गए हैं। तो गाइस यार मुझे लग रहा है कि बॉडी में कुछ फर्क आ रहा है 75 हार्ड चैलेंज से सच में, तो देखते हैं गाइस पूरा करने के बाद बॉडी में कितना फर्क आता है। हम आ गए हैं दुकान बंद करने, कुछ और सब्जी अंदर रखने आ गए, तो मानसी अकेले रखी थी इसलिए मैं भी आ गया तौलिया ओढ़ते हुए। मैंने कहा आप टी शर्ट क्या ही पहनोगे, सोना ही तो है। हम आ गए हैं दुकान बंद करके घर, अभी हमारा खाना बन रहा है, लोग आई जल्दी से खाना खा लेते हैं। सब लोग आ गए हैं, ईशु ने खा लिया, ईशु आ गया। तो गाइस यार 75 चैलेंज का 12वां दिन भी कंप्लीट हो गया है, सारे टास्क आज के पूरे हो गए, बस अब सोना है। अभी सब लोग बाहर चले गए हैं खाना पीना खा के मस्त करके। चलो थोड़ी देर मैं भी घूम के आता हूँ, तौलिया डाल लेता हूँ, थोड़ी देर वॉक करके आते हैं बाहर।
तो गाइस देखो कैसे बॉडी दिखाते हुए चल रही है। तो गाइस अभी हम आ गए मंदिर पे, तो कल से श्राद्ध लगने वाले हैं गाइस, फिर उसके बाद नवरात्रि भी हैं, तो मतलब टोटली एक ही साथ सब होता है। नवरात्रि के व्रत ले लें तो देखते हैं क्या होता है। प्रोटीन चाहिए ब्रो, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम फल वल खा सकते हैं गाइस। मैं तो फ्रूट्स भी नहीं खाती हूँ। देखते हैं क्या होता है, चलें आप घर चलें। तो चलो गाइस यहाँ से वापस चलते हैं, सुबह आना भी है वापस। गाइस मुझे पहले अजीब सा लगता था, मतलब टी शर्ट खोलने के टी शर्ट खोल के चलना भी अजीब। मानसी ऐसी हरकतें मत कर, ऐसे अजीब सा लगता था, पर मैं आजकल आ जा रहा हूँ जब से 75 हार्ड चैलेंज कर रहा हूँ। खाना दे दिया है और इसकी हरकतें देखो, रात को 12 बजे अपने हाथ से वो छिछी कैसी लग रही है, बाल काटते है पागल। तो मैं अभी आ गया हूँ छत में कपड़े उठाने, तो आज देखो गाइस चंदा मामा कितने प्यारे आए ना पूरे, कह रहे हैं कि बारिश आएगी, पर बारिश कहाँ आती है गाइस, इतने देखो आसमान में तारे भी लगे हैं। और चंदा मामी भी आज पूरे आए हैं गाइस, पूरे चंदा मामा आए हैं। और गाइस डब्बू छत में ही सोता है हमारा, या तो हमारे बगल में आके सो जाता है या फिर छत में ही आके सोता है ठंडे में। आ जाना भाई नीचे। ये दोनों आपस में भाई अभी भी लड़ रहे हैं, आज बर्तन कन्नू धो रही है कितने टाइम के बाद, पता नहीं ज़्यादा मत बोल, आजकल पता नहीं आज ही आज काम कर दे रही है थोड़ा सा गाली खा के। शाबाश, सारे साफ करके मलना ठीक है, क्या थे? नहीं नहीं जा जा वैसे ही मल दे वैसे। गाइस यार चलो अब जाके मस्त करके सारे काम हो गए, अब सोते हैं आराम से, सुबह जल्दी उठना भी है। तो चलो यार गाइस आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।